एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सतर्कता। विदेशों से आने वाले यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। एयरपोर्ट पर तैनात की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। जिलाधिकारियों के नियमों का पालन का दिया आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। जहां विदेशों से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर होगा, एयरपोर्ट पर तैनात की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। जिलाधिकारियों ने नियमों के पालन का दिया है आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। विदेशों से आने वाले सभी का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। एयरपोर्ट पर तैनात की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वेरिएंट के नए ओमिक्रॉन के चलते ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां फिर से एक बार फिर कोरोना दस्तक देने की तैयारी में है, जिसके चलते आज लखनऊ एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। जहां विदेशों से आने वाले यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। एयरपोर्ट पर तैनात की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम। जिलाधिकारियों ने नियमों के पालन का दिया है आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं? तो बता दें, जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं और यहाँ पर आने जाने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है और स्क्रीनिंग की जा रही है। तमाम तरह की जो सतर्कता है वो बरती जा रही है और जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, जो भी बाहर से आने वाली फ्लाइटें हैं, उनको जो यात्री हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और आरटीपीसीआर जाँच की जा रही है। और जरा से भी कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं अगर उनके अंदर कोरोना के, तो उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। जी अजहर, क्या कितने टीमों का गठन किया गया है? चार टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बाहर से जो आने वाली फ्लाइटें हैं, जो कि 15 दिसंबर को खुलने वाली थी, उस पर अभी तो विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें, जो दिल्ली से फ्लाइटें आ रही हैं और भी तमाम जगह से जो फ्लाइटें आ रही हैं, उसको लेकर यहाँ पे चार टीमें गठित की गई हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और यहाँ पे तमाम तरह की थर्मल स्कैनिंग और आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उस पर लगातार नजर बनाई जा रही है। अजहर, क्या बाहर से आने वाली जो फ्लाइट है उन पर कोई रोक लगाने की भी बात चल रही है? क्या उन फ्लाइटों को आने से रोका जा रहा है? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, 15 दिसंबर से जैसा कि कहा जा रहा था कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो खोल दी जानी थी, लेकिन उस पर फिलहाल अभी विचार विमर्श होना है, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन अगर जिस तरह से ये ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय पे जो बाहर की फ्लाइटें हैं उन पर रोक लगा दी जाए और कई तरह के रोक लगा दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहाँ एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार ने घटाए हैं पेट्रोल के दाम। 30 से घटकर 19.40% हुआ है वैट। आज रात से लागू होगी पेट्रोल की नई कीमत। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने घटाए हैं पेट्रोल के दाम, जो 30 से घटकर 19.40 वैट घटाया जाएगा। आज रात से लागू होगा ये। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस की खुली है पोल, जहां मोराई बाग में लगा लंबा जाम। रेलवे क्रॉसिंग की लाइन में फंसे हैं लोग। तलमऊ कोतवाली के मुराई बाग चौराहे का है ये पूरा मामला। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस की खुली है पोल, जहां मुराई बाग में लगा है लंबा जाम।
जहां रेलवे ट्रैक पर लाइन में फंसे हैं लोग। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जाम लगा हुआ है। डलमो कोतवाली के पास की है पूरी घटना। ट्रैफिक पुलिस की खुली है पोल, मुराइबाग में लगा है लंबा जाम। जाम के चलते रेलवे क्रॉसिंग की लाइन में फंसे हैं लोग। डलमो कोतवाली मुराइबाग चौराहे का है ये पूरा मामला। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डलमो कोतवाली के मुराइबाग चौराहे का ये पूरा मामला आपको दिखाया जा रहा है, जहां ट्रैफिक पुलिस की खुली है पोल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ओम शंकर, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? क्या ये जाम रोजाना लगता है या आज ही का दिन है? हाँ, ये निश्चित डलमो कोतवाली पुलिस की विफलता है और रोजाना का ये नियम बन चुका है। अब की बार इतना विकराल जाम लगा कि 2.5 से 3 घंटे लोग वहां पर फंसे रहे। दो दो एम्बुलेंस जो मरीजों को लिए हुए थी वो जाम में फंसी थी, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी कोतवाली या का सिपाही मौजूद नहीं था, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेलवे लाइन पर भी जाम लगा था और ट्रेन आने का समय हो रहा था, जिससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी महसूस हो रही थी। ओम शंकर, जिस तरीके से आपने बोला कि आम है ये इस तरीके से ये जाम लगना, तो क्या इस जाम के लगने की वजह से क्या कभी कोई हादसा भी हुआ है? हाँ बिल्कुल, हादसे अक्सर हो जाते हैं, गाड़ियां एक दूसरे से लड़ जाती है और कहीं ना कहीं ये सीओ ट्रैफिक की पूरी तरह से विफलता है। और अब संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बस वही कागजी और एक औपचारिकता है कि 2 सिपाही भेज दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो खड़े होके गाड़ी धीरे धीरे पास करवाते हैं, जबकि अब ये आम हो गया है जाम और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिला प्रशासन का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां मुराइबाग में लगा है जाम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन को लेकर सीएम ने दिए हैं निर्देश। लोगों को मास्क लगाने का दिया है निर्देश। दूसरे देश से आने वाले लोगों की होगी जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन को लेकर सीएम ने दिए हैं निर्देश। लोगों को मास्क लगाने का दिया है निर्देश। दूसरे देश से आने वाले लोगों की होगी जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन के चलते दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को मास्क लगाने का निर्देश जारी किया है, जहां दूसरे देश से आने वाले लोगों की जांच की भी निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, गन्ना क्रेशरों ने जमकर उड़ाई है सीपीसीबी नियमों की, उड़ाई गई है धज्जियां। एक्यूआई में लगातार हो रहा है इजाफा। कोर्ट के अफसरों पर मिली भगत का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये वीडियो। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीबी नगर थाना के लुदपुरा गांव का है ये पूरा मामला, जहां गन्ना क्रेशरों ने जमकर उड़ाई है धज्जियां। सीपीसीबी नियमों की उड़ाई गई है धज्जियां, जिसमें एक्यूआई में लगातार हो रहा है इजाफा। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड के अफसरों पर मिली भगत का आरोप बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये वीडियो। बीबी नगर थाना के लुदपुरा गांव का है ये मामला। रामपुर में शिक्षा मित्र की शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से की है छेड़छाड़। छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली बिलासपुर के मानपुर ओझा गांव का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर में शिक्षा मित्र की शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है, जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से की है उन्होंने छेड़छाड़।
छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली बिलासपुर के मानपुर ओझा गांव का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां रामपुर में शिक्षा मित्र की शर्मनाक करतूत सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से की है उन्होंने छेड़छाड़। छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली बिलासपुर के मानपुर ओझा गांव का है ये पूरा मामला। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली बिलासपुर के मानपुर ओझा गांव का है ये मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो तुषार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी घटना? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामपुर के बिलासपुर के मानपुर ओझा में एक शिक्षा मित्र ने कक्षा 3 की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करी है। घटना की जानकारी जब पुलिस वालों को दी गई तो मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शिक्षा मित्र को लिया हिरासत में। उसके बाद वहां पर जो आसपास के जो अभिभावक थे उन लोगों ने वहां पर जाकर हंगामा किया, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कोतवाली बिलासपुर के जो वो पुलिस वाले थे वो सब उन लोगों को लेके गए थाने में। जी जी, जिस तरीके से शिक्षा मित्र की ये जो शिकायत आज आई है, क्या इसकी पहले भी कोई शिकायतें आई हैं जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? जी नहीं, ऐसा तो खैर कोई ऐसा मामला अभी तक जो है सामने आया नहीं है, लेकिन ये अभी खैर मामला है। अब इसमें देखिए, अब इसमें मतलब बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने की वो है। जी, तो क्या कुछ अभी जो संज्ञान में आया है तो स्कूल वालों की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? जी, स्कूल वालों की तरफ से मैम ये किया गया है कि उन्होंने जो है थाने में मतलब ये FIR लिखवाई है, उसमें जो है अभिभावक भी है और पुलिस का अपना प्रशासन भी है। इन लोगों ने FIR करी है और इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।